इस्लामिक देश तुर्की इस वक्त भूकंप से आई तबाही की वजह से काफ़ी सुर्खियों में है। इस खूबसूरत और ऐतिहासिक देश में भूकंप से आई तबाही की वजह से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए बहुत से देश आगे आ रहे हैं, जिससे कि तुर्की पहले के जैसे खड़े हो पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको तुर्की के बारे में 10 अननोन फैक्ट के बारे में बताता हूँ, जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही टॉप 10 वाली वीडियोज मिलती रहती है। नंबर फर्स्ट, चाय पीने के मामले में तुर्की के लोग सबसे आगे रहते हैं। यहाँ देश की लगभग 96% जनता हर रोज चाय पीती है और पूरी दुनिया में ये संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ का 1% दिन में 5 से 10 कप चाय पी जाता है। नंबर टू, तुर्की का राष्ट्रीय फूल ट्यूलिप है। इसे तुर्किश में तुलबेद नाम के शब्द से लिया गया है। तुलबेद का मतलब धुंधला या मलमल होता है। नंबर थ्री, अक्सर लोग तुर्की की राजधानी इस्तांबुल को समझ लेते हैं, लेकिन इस देश की राजधानी अंकारा है। हालांकि यहाँ का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इस्तांबुल दो महाद्वीपों में आता है, एशिया और यूरोप। तुर्की का 95% हिस्सा एशिया और 5% हिस्सा यूरोप में है। नंबर फोर, तुर्की का राष्ट्रीय खेल ऑयल रेसलिंग है। पिछले 650 सालों से यह तुर्की में खेला जाता रहा है। यूँ तो ये हमारी कुश्ती की तरह ही है, लेकिन इसमें कैंडिडेट शरीर पर तेल लगाकर कुश्ती करते हैं। साथ ही कैमल रेसलिंग और बुल रेसलिंग भी तुर्की में खेले जाते हैं। नंबर फाइव, तुर्की विश्व की सुंदर मस्जिदों का घर है। तुर्की में 82,000 से ज़्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। इन सभी में से इस्तांबुल का सुल्तानामेट मस्जिद विश्व का सबसे प्रसिद्ध मस्जिद में से एक है। इस मस्जिद को नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। नंबर सिक्स, तुर्की के लोग भले ही चाय ज़्यादा पीते हों, लेकिन यूरोप में 16वीं शताब्दी तक तुर्क ही कॉफ़ी लेकर आए थे। यहाँ का मोचा कॉफ़ी काफ़ी मशहूर है। नंबर सेवन, तुर्की में बुरी नज़र पिघले हुए कांच, लोहे और तांबे से बना एक पत्थर है। 3000 साल पुरानी परंपरा के अनुसार इसे बुरी ताकतों से बचने के लिए पहना जाता है। मान्यता है कि नीले रंग के पत्थर में नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए शक्ति होती है। तुर्की आने वाले लोग इसे सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। नंबर एट, टर्की विश्व का सबसे बड़ा हेजलनट उत्पादक देश है। विश्व का तकरीबन 75% हेजलनट तुर्की में ही उगता है। यहाँ हेजलनट का उत्पादक काला सागर के किनारे होता है और 60% हेजलनट बेच दिया जाता है। नंबर नाइन, तुर्की में भी सबसे अजीबोगरीब परंपराएं भी हैं। ऐसे ही एक मान्यता के अनुसार तुर्की के लोग अपने नवजात शिशु के तकिए के नीचे एक कछुआ रखते हैं। वहाँ के लोग मानते हैं कि कछुए को तकिए के नीचे रखने से उनकी रक्षा होती है। नंबर टेन, तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल को बायजेंटियम के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर का नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपोल कर दिया गया था। बाद में साल 1930 में इसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।